बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडे खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही आगे जानेंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार। और आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मसूर, जीरा, ग्वार और मोटे अनाज की। और इसके अलावा और भी कई जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। सोमवार को नरमी के साथ हुए सरसों के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। तो सरसों को लेकर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है और सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। कोटा, मालपुरा, अलीगंज मंडी में गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। सरसों के कारोबार पर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मार्च को सरसों 4,550 रुपए क्विंटल पर बिकी, जो 11 मार्च को 50 रुपए गिरकर भाव 4,500 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 9 मार्च को सरसों का भाव 5,200 रुपए था, 11 मार्च को इसमें 25 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,175 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 10 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 9 मार्च को सरसों का भाव 4,535 रुपए था, जो 11 मार्च को 4,525 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में बीते दो दिन यानी 9 और 11 मार्च को सरसों का भाव 5,460 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। तो फिलहाल सरसों की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सरसों को लेकर, तो अब रुख कर लेते हैं बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरसों के बाजार पर फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है। सरसों की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में सरसों की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में नई फसल की आवक बढ़ने के साथ साथ सरसों की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में नई फसल की आवक बढ़ने के बाद कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से आने वाले समय में फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में मांग में मजबूती आ सकती है, कीमतें बढ़ सकती है। शिव श्रीवास्तव जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मसूर में रहा मिला जुला रुख, गाजियाबाद मंडी में दर्ज हुई 90 रुपए की गिरा। जयपुर मंडी में 2,270 रुपए पर बिका बाजरा, अलीगंज मंडी में 2,205 रुपए रहा भाव।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मसूर को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कि कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं मंडियों में स्थिरता भी देखी गई। मसूर के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में सोमवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहां 9 मार्च को इसका भाव 6,970 रुपए था, जो 11 मार्च को 30 रुपए चढ़कर 7,000 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 9 मार्च को मसूर का भाव था 6,915 रुपए, 11 मार्च को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,925 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 9 मार्च को इसका भाव 6,240 रुपए था, जो 11 मार्च को 90 रुपए गिरकर 6,150 रुपए क्विंटल पर रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते दो दिन यानी 9 और 11 मार्च को मसूर का भाव 6,870 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 15,59,000 टन था, यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अरहर का भाव क्या रह सकता है? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। कुछ मंडियों में इसके आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी मसूर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, मसूर के जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में भी इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मसूर के बारे में हमने अभी आपको काफ़ी सारी जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए सेब को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके कहां पर किस मंडी में क्या कुछ भाव है इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। सेब हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अगर इसके भाव की हम बात करें तो 12,000 रुपये रहा। वहीं हरियाणा के गोहाना मंडी में अगर इसके भाव की बात करें तो ये रहा 8,500 रुपये, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में ये भाव रहा 8,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ये तो रही सेब की बात। अब आगे बढ़ते हुए अमरूद को लेकर बातचीत कर लेते हैं। अमरूद के भाव किस मंडी में क्या कुछ अभी फिलहाल बने हुए हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की हाथी मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपए। पंजाब के लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए। और जैसा कि हमने अभी आपको ये बताया कि जो भी हम भाव आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो सेब की बात करी, अमरूद की बात करी, अब पपीते को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी से इसकी शुरुआत करते हैं। पपीते का भाव यहां पर रहा 3,700 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,895 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की और जीरे की, तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन के साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे।
RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर, और हम मंडी खबर में तमाम कमोडिटीज़ के भाव पर चर्चा कर रहे हैं। और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। तो बाजरे को लेकर, इसके भाव को लेकर आपको जानकारी दे दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। और अगर हम इसके भाव पर नज़र डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपये, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदे 2,270 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, और राज्य की अलीगंज मंडी में भाव रहा 2,205 रुपए। तो बता दें कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान की बात करें तो साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ बाजरे की जो पैदावार है वो 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2022 से 23 के दौरान इसकी उपज 1,03,49,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 8,18,000 टन कम हो सकती है। तो बाजरे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए शिव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आगे किस ओर जा सकता है बाजरे का भाव? बाजरा की बात करें तो बाजरा की कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, मांग में नरमी के कारण आने वाले समय में कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में नरमी का रुख कायम रहेगा। ठीक है सर, ये तो इसके भाव की बात हो गई। अगर हम देखें कि जो किसान है जो बाजरे की खेती करते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि शिव श्रीवास्तव जी ने बताया कि पहले बाजरे की जो मांग है और जो उसका भाव है उसमें नरमी देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो है बाजरा तेज़ी पकड़ेगा। तो ये तो रही बाजरे की बात, अब आगे बढ़ते हैं जौ के बारे में बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है, और बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक आपको बता दें उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां पर जौ का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की ही जयपुर मंडी में अगर हम जौ के भाव की बात करें तो इसका भाव रहा 2,033 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1,711 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार की हम अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2022 से 23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जौ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है जौ का बाजार, उसके जो भाव है आगे किस ओर जा सकते हैं? जौ की बात करें तो जौ की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की कमजोरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आवक की अधिकता के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को जीरे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दे देते हैं।
जीरे के भाव कहाँ पर कितने बने हुए हैं और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है और अगर हम भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जीरे का भाव रहा 19,500 रुपए। वहीं अगर जोधपुर मंडी की हम बात कर ले तो यहां पर जीरे का भाव रहा 25,550 रुपए, जबकि गुजरात की जेतपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 25,025 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो जीरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, भाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ही, जो कि बाजार के जानकार हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जीरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। जीरा की बात करें तो जीरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग की भी अच्छी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जीरे के जो किसान हैं वो अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मांग में मजबूती भी होगी और उसके जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी हाई हो सकते हैं, तो रुकना अभी बेहतर ऑप्शन रहेगा। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार का हाल, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर कार्यक्रम और आगे बढ़ते हुए अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। अगर हम ग्वार के भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक 11 मार्च को राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे हुए 4,810 रुपए पर। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,050 रुपए। ग्वार गम के निर्यात में नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत हर साल कुल ग्वार गम का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान इसका कुल निर्यात 4,65,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 3,21,000 टन के आसपास था। आपको ये बता दें कि भारत में ग्वार की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं और शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, शिव श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कि ग्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है।
जहाँ तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। एक तरफ जहां आने वाले समय में ग्वार की मांग में बढ़ोतरी का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ इसके प्रमुख उत्पाद ग्वार गम के निर्यात की बात की जाए तो पिछले दिनों उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां ग्वार गम के निर्यात मांग में वृद्धि की संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्वार की घरेलू मांग में भी तेजी की उम्मीद है। किसानों को इंतजार करना चाहिए, आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। यानी कि ग्वार के जो भाव है उसमें भी तेजी आ सकती है और जो ग्वार गम है उसके निर्यात में भी तेजी आ सकती है, तो अभी वेट करना फायदेमंद रहेगा। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी कमोडिटीज़ पर, कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी आपने साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैंगन को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव जान लेते हैं कि कहां पर कितने भाव अभी बैंगन के इस वक्त बने हुए हैं। गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं, यहां पर बैंगन का भाव रहा 1,650 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,030 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए पत्ता गोभी की भी जानकारी आपको दे देते हैं और इसके भाव की शुरुआत कर लेते हैं सूरत से। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का जो भाव है वो रहा 1,950 रुपए, वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए, राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 1,085 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। पत्ता गोभी की भी हमने बात कर ली, अब आगे बढ़ते हुए गाजर की भी बात कर लेते हैं, उसके भाव कहाँ पर कितने बने हुए हैं, किस मंडी में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। और गुजरात की मनसा मंडी से इसकी शुरुआत करते हैं, गाजर का भाव यहाँ पर 1,000 रुपए रहा। वही अगर बात महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1,500 रुपए इसका भाव रहा। उसके अलावा पंजाब की दोराहा मंडी में यह भाव रहा 1,200 रुपए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1,000 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से काफी मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं तो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।